बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है 154 सीआरपीसी है, एफआईआर 154 सीआरपीसी कोग्निजेबल ऑफेंस यानी कि काबले दस्त अंदाजी जुर्म। 154 में बयान किया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मर इंफॉर्मेशन देने वाला किसी जुर्म की जो काबले दस्त अंदाजी जुर्म है कि इंफॉर्मेशन जो मुतलका थाना जिसकी जुरिडिक्शन में आता है, जिसकी हदूद में आता है, वो जहाँ पे वकुआ हुआ है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जब देता है वो ऑरली भी दे सकता है और रिटर्न भी दे सकता है। अगर वो ऑरली देगा तो पुलिस वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे तहरीर करेगा जैसे कि वो इन्फॉर्मर बताता है और उसके साइन और अंगूठा सबत करवाएगा और उस इंफॉर्मेशन को रपट रोजनामचे में दर्ज करते हुए फर्दर जो कार्रवाई है वो अमल में लाए। जो लॉ गेट में हमें हेल्प करेंगे उसमें है 154। बाज़ दफ़ा पूछा जाता है कि 154 सीआरपीसी क्या चीज़ है, तो 154 सीआरपीसी होता है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि काबले दस्त अंदाजी जुर्म होते हैं जहां पे पुलिस वाले बग़ैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। इसमें दूसरा ये है कि इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है जी, एनी पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंफॉर्मेशन किस टाइप की दे सकता है जी, ओरली भी दे सकता है और रिटर्न भी दे सकता है। और इसके बाद जो है रपट रोजनामचे में दर्ज की जाता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है और उसके बाद जो फर्दर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती हैं। इसमें 5 से 6 MCQ जो लॉ गेट के हवाले से लॉ गेट